सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी खुश एंड निरोगी होंगे। सो आज हम कंटिन्यूटी का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 लेने जा रहे हैं, और इससे पहले वाले हम सेशंस में क्या करवा चुके हैं, हम लिमिट के सेशंस करवा चुके हैं, जिसमें हमने लिमिट के 7 लेक्चर लिए थे, जिसमें हमने लिमिट्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट समझे थे। उसके बाद हमने हायर लेवल के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद जेई लेवल के क्वेश्चन किए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लिमिट वाली 7 लेक्चर्स में हमने लिमिट का लगभग हर चीज कर ली। हम लिमिट के बाद कंटिन्यूटी आते हैं, और आप समझ जाएंगे कि जब हम कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें तो आप समझ जाएंगे कि हमने लिमिट का कॉन्सेप्ट पहले क्यों लिया था। क्योंकि आज गाइस अपने आप ही आपको याद पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूटी कुछ नहीं है बल्कि एक लिमिट की तरह ही है। इसके जो भी क्वेश्चन होंगे सब लिमिट की जैसे ही सॉल्व होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। दैट इज, सबसे पहले समझते हैं भाई कंटिन्यूटी होती क्या है। कि सपोज करो एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट, जो मतलब फंक्शन की लिमिट है वो उस फंक्शन पे वैल्यू के बराबर आ जाए। दैट मींस लिमिट फंक्शन, फंक्शन की लिमिट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो, उसके साथ साथ जो उस किसी पॉइंट पे, पार्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज इक्वल हो, तब क्या कहते हैं इसको, कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो गाइस सबसे पहले कंटिन्यूटी का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। भाई जनरल बिहेवियर में देखो, हम किसी पर्सन को बोलते हैं भाई ये बड़ा बड़ा कंटिन्यूअस इंसान है, हम इसका मतलब होता है कि भाई वो अपने डेली बिहेवियर में लगातार एक जैसा बिहेवियर करता है, उसका फिक्स रूटीन होता है, उसको वो ब्रेक नहीं करता, तभी तो उसको कंटिन्यूअस कहते हैं या कंटिन्यूटी कहते हैं उसको। इज इट क्लियर? ऐसा ही हमारी मैथ में होता है कि मैथ में कोई फंक्शन है, उसका अगर कर्व ड्रॉ करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने कर्व ड्रॉ कर लिया, अब ये कर्व अगर लगातार कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो, कहीं भी अपना रूल नहीं तोड़े, कहीं भी ब्रेक नहीं हो, तब इस फंक्शन को क्या कहते हैं, हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। दैट मींस कि फंक्शन का कर्व कहीं भी ब्रेक नहीं होता, तब क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब इसको हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ग्राफ के थ्रू तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको सपोज करो मैं ग्राफ दूं, तब तो आप पहचान सकते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं, ऑब्वियसली देख के पता चल जाएगा। अगर कहीं ब्रेक नहीं हो रहा होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अगर ब्रेक हो रहा होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सो गाइस हमने मान लिया कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, क्या है एफ एक्स है, ये ब्रेक हो रहा है 4,4 एंड 3, 4 आ रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 पे एंड 3 आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे। इज इट क्लियर? हम इस चीज को करवा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ये लिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तभी कंटिन्यूअस होगा। ऐसा क्यों होगा, हम इस एग्जाम्पल थ्रू आपको क्लियर करा देंगे कि ऐसा इसीलिए होगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, देखो कि एक्स इज लेस देन 0 पे क्या 4 है, तो मैंने मान लिया इधर आ रहा है मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, यानी ये इस तरफ चलेगा। इज इट क्लियर? ऐसे ग्राफ हो जाए। और एक्स इज ग्रेटर देन 0 पे मेरे पास 3 है, तो 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इधर मैं ओपन नोड बना दूंगा, यानी 0 नहीं आ रहा ना, 0 काउंट नहीं हो रहा, तो 0 के अलावा बाकी सारे 0.001 स्टार्ट हो, 0.001 भी आ रहा होगा, तो क्या फिक्स 0 पे हम क्या ओपन नोड बना देंगे, यानी जहां पे भी ये इक्वल वाला साइन ही आएगा ना, अगर साइन नहीं आ रहा होगा तो हम यहाँ वहां पे ओपन नोड बना देंगे, इसके बाद हम इस तरीके से आगे कर देंगे। तो आपको पता चल रहा है कि फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, देखो 0 या 0 से कम पे तो अलग वाली वैल्यू आ रही है, उसके बाद अलग वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे देखो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो क्या ये कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखो गाइस, अब मैं देखूं कि 0 पे ब्रेक हो रहा है, बाकी सब तो कंटिन्यूअस होगा जगह पर, 0 पे चेक करता हूँ, 0 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ये 0 माइनस, क्या 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्वियसली 0 माइनस होती है, या फिर 0 माइनस एच कर दो, क्योंकि सी माइनस एच है ना, यहाँ पे लिखने का तरीका अलग है, तो सी यानी हमारे पॉइंट है, पॉइंट होता है सी, तो 0 माइनस एच, या फिर 0 ऊपर माइनस कर दिया एक तरह से, है ना, 0 माइनस 0 से कम पे, 0 से कम पे लिमिट क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी मेरे पास 4 होगी गाइस। इज इट क्लियर? 4 होगी। और ऐसे 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा पे वैल्यू क्या होगी, वो होगी मेरे पास 3 होगी। तो क्या ये दोनों लिमिट इक्वल आ रही है? नहीं आ रही ना। इज इट क्लियर? नहीं आ रही। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये तो चीज देख ली, लेफ्ट और राइट इक्वल होनी चाहिए। अब हम ये भी देखते हैं, इसको भी इसी के इक्वल लाते हैं एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू, बाकी तो सारी चीजें हम रेज करते हैं। अभी तक हमने देख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं थी, इस वजह से ब्रेक हो रहा था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 है कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और 5 कब आ रहा है जब एक्स इक्वल टू
जीरो। अब इसका एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं कि देखो x बराबर जीरो यानी x बराबर जीरो, ये फंक्शन मतलब जीरो पर फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, ये 5 दे रखी है। तो ये मैं एक बार 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से ग्राफ बनना है, आप है ना, ये आपको थोड़ा तरीके से ड्रॉ कर लेना, मेन मोटिव समझने की कोशिश करो। तो 5 यानी यहाँ पे आ जाएगा, इज इट क्लियर। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक हाँ यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया। तो ये अगर मेरे पास 5 आ गया, कब पे, 0 पे आ रहा है। उसके अलावा x नॉट इक्वल टू 0 यानी जब 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा तो देखो इस तरफ भी 0 से कम होगा, इस तरफ भी 0 से कम होगा, मतलब 0 से ज्यादा होगा, इस तरफ 0 से कम होगा 0। इसको एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं, आपको थोड़ा एग्जैक्ट समझाते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो, इज इट क्लियर। तो हमने बनाया ये वाला बनाया, इसको ग्राफ को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। अब हम देखते हैं x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे 5 आ गया, ये मेरे 5 आ गया है ना। अब क्या करूंगा, अब मैं इसको 6, 6 का मार है x नॉट इक्वल टू 0। तो देखो x नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 से ज्यादा, यानी इस तरफ इस साइड में है ना, और इस साइड यानी 0 के अलावा कुछ भी है, 0 के अलावा 0.001 वो इस तरफ आ जाएगा, -0.001 वो इस तरफ आ जाएगा, इज इट क्लियर। यानी 0 के अलावा सब तरफ क्या वैल्यू आएगी उसकी, इधर आएगी 6 आएगी, तो ये भी आएगा और इस तरफ भी आएगा, बस यहां पे ब्रेक हो जाएगा, इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा ऊपर वाले पे, इज इट क्लियर। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं गाइस, क्योंकि देखो इसको मैं एक बार क्लियर दोबारा से ड्रॉ करता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो गाइस हाँ, तो अभी ऊपर वाले फंक्शन को ड्रॉ किया था 6 और 5 वाले को, तो क्या आया था हमारे पास, आ रहा था कि इधर तो हमारे पास 5 आ रहा था, मतलब x बराबर 0 पे, x बराबर 0 पर था, और उसके अलावा वैल्यू आ रही थी हमारी 6 आ रही थी x बराबर 0 के अलावा। तो ओपन हो जाएगा जहां पे 0 नहीं है, मतलब जहां पे वैल्यू नहीं होती जिस पॉइंट पे, फिर वहां पे नोड आ जाता है, इज इट क्लियर। तो देखो गाइस ये हमारे पास फंक्शन हो गया था, किसका हो गया था, ये हो गया था हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 6 एंड 5, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। तो देखो गाइस इसको देखने के बाद अब इस पर कंपेरिजन करते हैं। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, 0 माइनस 0 माइनस यानी 0 से कम, तो 0 से जैसे ही कम आएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 6 ही आ रही है, इज इट क्लियर। और 0 से जैसे ज्यादा, 0 प्लस है ना, यानी 0 से ज्यादा, जस्ट 0 से थोड़ा सा भी ज्यादा लगेंगे तो भी 6 ही आएगी, यानी इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होनी चाहिए, जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था। उसके साथ साथ ये जो फंक्शन पे मतलब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी उसके बराबर ही होनी चाहिए, एफ ऑफ 0 यानी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सपोज करो अगर ये एक्स बराबर 0 पे यहाँ 6 ही पे ही आ जाता तो ये क्या कंटिन्यूअस हो जाता, लगातार हो जाता, ऑब्वियसली बात है। यानी कि हम अब समझ चुके हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन पे मतलब फंक्शन पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। मैंने इसको समझाने थोड़ा टाइम लगा दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें चेक करना है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ये फंक्शन दे रखा है, इस पर हमें x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो गाइस दो तरीके से होती है कंटिन्यूटी, एक तो होती है पूरे इंटरवेल में और एक होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये फंक्शन है, ये एक तरह से ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, तो मैं कहूँ कि यहाँ से सपोज करो ये -1 है, ये 1 है और ये 2 है सपोज करो, तो मैं कहूँ कि क्या -1 से 1 के इंटरवेल में ये कंटिन्यूस है, यानी ऑब्वियसली बात है भाई लगातार आ रहा है ना -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूस है। लेकिन क्या पूरे इंटरवल में कंटिन्यूस है, नहीं पूरे में नहीं है, क्योंकि पूरे में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। सो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने वापिस, कि ये फंक्शन मेरे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस h, इज इट क्लियर। ये होती है यार, ये होता है ना एफ लिमिट पिछले वाले इसमें, देखो देखो स्लाइड में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस h, c यहाँ पे 1 है ना। इसमें क्या है, अब ये कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो इसमें थोड़ा सा लिमिट से हल्का सा चेंज हो जाएगा, बस c की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अभी तक तो क्या था कि हम इधर x ही रखते थे, x टेंड्स टू 1 ही रखते थे, फिर वैल्यू पुट कर देते थे, इज इट क्लियर। लेकिन अब क्या है, अब कंटिन्यूटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो क्या है हम यहाँ पे h का यूज करेंगे, h का यूज करेंगे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो बस करो
वैल्यू पुट करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, एक्स की जगह वन माइनस एच रखेंगे तो टू इंटू वन माइनस एच प्लस थ्री, एच की जगह हम जीरो पुट कर देंगे तो टू इंटू वन माइनस जीरो प्लस थ्री। थोड़ा ये राइट हैंड लिमिट निकाल लिया हमने कि सी प्लस एच कर दिया यानी वन प्लस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू इंटू वन प्लस एच यानी एक्स की जगह चेंज करेंगे हम प्लस थ्री। अब इसमें जैसे एच की जगह क्या रखेंगे जीरो रख देंगे तो टू इंटू वन प्लस जीरो, तो जब फर्दर करेंगे तो ये भी टू प्लस थ्री आ जाएगा दैट इज फाइव आ जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट तो इक्वल आ रही है। और अब हम निकालते हैं फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, किस पॉइंट पे वन पे वैल्यू, एक्स इक्वल टू करेंगे तो एफ ऑफ वन निकालेंगे, क्या करेंगे एफ ऑफ वन निकालेंगे, एफ ऑफ वन निकालेंगे तो गाइस एफ ऑफ वन क्या होगा टू इंटू टू एक्स प्लस थ्री है तो एक्स की जगह वन आ जाएगा प्लस थ्री दैट इज ये भी पांच आ रहा है। तो इससे क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास एफ ऑफ वन, यानी फंक्शन पे वैल्यू के बराबर है, तब क्या ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा गाइस। एक मैं नोट करा दूं कि ये क्या है, एक एलजेब्रा नॉर्मल है, पॉलिनोमियल है ये, इसके लिए पॉलिनोमियल टू एक्स प्लस थ्री है या फिर इस तरीके का आ जाए एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव माइनस नाइन एक्स, इस तरीके से आ जाए मतलब एक तरह से पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाए ना, तो वो हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं होती, बट स्टेट लेवल के एग्जाम में आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आप जेई की तैयारी करें तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पॉलिनोमियल होता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस होता ही है। आज आप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो हमें एग्जाम करने के वेदर द फंक्शन एफ गिवन बाय ये हमें फंक्शन दे रखा है इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो गाइस मुझे पता है कि इसका एक तो होता है ग्राफ के थ्रू डायरेक्ट करने का, तो इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है एक्स स्क्वायर का वाई, मतलब एफ एक्स, एफ एक्स को मैंने वाई मान लिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ होता है इस तरीके से। तो देखो गाइस एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे चेक करो एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना, तो जीरो पे देखो कहीं ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, कंटिन्यूस है ना लगातार, तो क्या है ये कंटिन्यूस होगा, हम ग्राफ को देख के एक सेकेंड में पता कर लिया। अब हम मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर देंगे गाइस कैसे होगा। सो मैं निकालूंगा लिमिट, तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे क्योंकि देखो इधर एक्स है, एक्स के जीरो माइनस एच करेंगे ना इसका स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी है ना, तो और एच की जगह हम क्या रखेंगे जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ऐसे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी जीरो प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा ये भी जीरो आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों इक्वल आएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो या फिर हम डायरेक्ट करें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये जनरल लिमिट आ गई, जनरल लिमिट ये है एफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जीरो के बराबर आ जाएगी है ना। अब हम निकालते हैं उस फंक्शन पे वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट कितना है हमारे पास एक्स इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है एफ ऑफ जीरो यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर दैट इज जीरो, यानी आपको पता है दोनों इक्वल आ रही है तो क्या हो जाएगा फंक्शन इज कंटिन्यूस हो जाएगा, जो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद फर्दर देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में वापस दे रखा है कि कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स की। इसका दो मेथड है, एक तो ग्राफ के थ्रू और एक हम करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू। तो ग्राफ बनाते हैं इसका एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स का, तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स है, मुझे पता है कि जब इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये आपको इलेवेंथ में समझाया होगा इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है, और अगर आपको गाइस ग्राफ बनाना आना ही चाहिए क्योंकि कई जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना वो ग्राफ से सीधे सीधे हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा है ना। ये ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ के पर्टिकुलर चार से पांच सेशन होते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जेई की तैयारी करो ना आईटी वगैरह की, तो हर इंस्टीट्यूट में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में आपको सबसे पहला जो फर्स्ट लेक्चर करवाए जाएंगे फाइव टू सिक्स लेक्चर वो ग्राफ से रिलेटेड करवाए जाएंगे और जनरल समझाई जाएगी मैथमेटिक्स वगैरह, ज्यादा कुछ हाई नहीं करवाया जाएगा, क्यों, क्योंकि जो मैथमेटिक्स के आगे जो भी चैप्टर है उनमें ग्राफ का काफी इंपोर्टेंट रोल होता है, वो आप समझ जाएंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ना अपनी इसमें जर्नी में। तो ये ग्राफ बनाने में बता देता हूँ कैसे बनता है, तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है, तो मुझे पता है कि मोड एक्स है जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा, एक्स जीरो से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा जब एक्स इज लेस देन जीरो, क्यों आया, क्यों गाइस, क्योंकि मुझे पता है मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव यानी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, मोड एक्स किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव रखूंगा तब तो एफ एक्स की नेगेटिव आ जाएगी, लेकिन मैं क्या करता हूँ आगे माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ
तो माइनस का अगर आगे साइन लगा दिया और फिर एक्स की वैल्यू मैंने एक्स लेस देन जीरो, तो एक्स की जगह अगर मैं माइनस भी रखूंगा, सपोज करो मैंने लिख ली -0.1, एक्स की जगह मैंने रख दिया -0.1, क्यों? क्योंकि मेरे पास इंटरवल ये एक्स लेस देन जीरो है ना, तो इसलिए मैंने एक्स की जगह -0.1 रख दिया, और फिर बार भी माइनस है, इज इट क्लियर? तो ये हमेशा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, देखो एफ एक्स प्लस ही आ जाएगा, और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स जीरो से बड़ा है, तो ऑब्वियसली एक्स का एक्स ही रहेगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक तरह से मेरे पास ब्रेक हो गया। अब एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस एक्स, माइनस एक्स का ग्राफ आपको पता है यार, वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, ये आप खुद बना लेना, मतलब आपको बनाना आता होगा, वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये होता है। आई होप ये समझ में आ गया, के थ्रू तो ये समझ लिया। अब हम समझते हैं इसको जनरल, जनरल समझते हैं कि लिमिट सबसे निकालते हैं लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, हमारे पास पॉइंट दे रखा है जीरो, तो जीरो माइनस से जाएगा ना, जीरो माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब मोड एक्स है और जीरो माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो गाइस ये मोड एक्स है, तो मोड अठाना है, तो मोड अट जाएगा, तो एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स की जगह मैं एच ले रहे हैं, तो एक्स तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। लेकिन एक्स लेस देन जीरो पे माइनस एच ले रहे हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट रहे ना, तो इसीलिए माइनस साइन बाहर लगेगा जब भी, तो अगर एच लेस देन जीरो है ना, एच लेस देन जीरो है, तो एच की जगह सपोज करो मैं माइनस वन लेता हूँ, तभी तो आगे माइनस और होगा, तभी तो प्लस में वैल्यू बनेगी। अगर आपको इसकी समझ में नहीं आ रही हो तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्दर आपको जैसे जैसे ये हमारी जर्नी बढ़ती जाएगी आपको समझ में आता जाएगा। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं, बस एच की जगह जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो आ जाएगा, दैट इज जीरो के इक्वल होता है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और मुझे पता है जीरो प्लस एच है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो आगे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी जीरो के इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट और राइट इक्वल हो गई। अब हम फंक्शन मतलब जीरो पे वैल्यू निकालेंगे फंक्शन की, तुम रख दो मोड एक्स में, एक्स की जगह हम जीरो रखेंगे, तो मोड जीरो तो हमेशा जीरो ही होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो हो गया। तो क्या ये कंटिन्यूअस है, यस। क्या ये कंटिन्यूअस है, यस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है या पूछ रखा है कि हमें करना है शो दैट द फंक्शन एफ गिवन है, यहाँ पे ये हमें कंटिन्यूअस है यानी ये हमें कंफर्म करना है। तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि तीनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो करते हैं गाइस, यहाँ पे देखो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये गाइस आप सोच रहे होंगे इतना लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे फिर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, गाइस आप डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं यार, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए यही फंक्शन आएगा, और एफ ऑफ जीरो बना रही है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं पॉइंट पर बना रही है, और उसके अलावा, उसके अलावा देखो, उसके अलावा हम इस फंक्शन को लेंगे, तो एक्स क्यू प्लस थ्री लेंगे, इज इट क्लियर, है ना। उस पॉइंट के अलावा हम जो भी लेफ्ट और राइट कहीं भी हम वैल्यू रखेंगे लेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन यूज होगा, तो इसमें जीरो रख दो, इसमें जीरो रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जीरो प्लस थ्री बराबर थ्री, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे, नहीं आ रहे, तो हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा, ये डायरेक्ट है, मतलब फटाफट आपका हो गया ना, मुश्किल से 15 सेकंड लगी ना। तो गाइस ऐसे ही होंगे, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो स्पीड तो अपने आप ही आप कवर अप कर लो, क्योंकि ये माइंड बड़ा अडेप्टिव होता है। तो हम आप आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ, पॉइंट मेरे पास जीरो है तो जीरो माइनस एच कर दूंगा, इज इट क्लियर, तो जीरो माइनस एच, तो ये हमारे पास जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो ये फंक्शन यूज होगा, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह मैं जीरो माइनस एच रखूंगा, तो जीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस थ्री हो जाएगा, इज इट क्लियर। जब एच की जगह मैं वापस एच की जगह जीरो पुट करूंगा तो ये तो पूरा जीरो बन जाएगा, और जीरो प्लस थ्री थ्री आ जाएगा, इज इट क्लियर। कैलकुलेशन आई होप ये आपको करना आता होगा। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में जाते हैं कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एज इट इज चलेगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा गाइस प्लस एच आ जाएगा, जीरो प्लस एच। यहाँ पे हमें जीरो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जीरो पे ही चेक करना है, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, बाकी तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो कंटिन्यूस ही होगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी जीरो के अलावा कहीं भी हमेशा यही फंक्शन होगा एक्स क्यूब प्लस थ्री, तो बस रख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री की जगह हम लिख देंगे जीरो प्लस एच का क्यूब प्लस थ्री। अब एच की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जीरो रख दूंगा, तो जीरो
प्लस जीरो का क्यूब प्लस थ्री, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये तीन के बराबर आ जाएगा। अब हम उस पॉइंट पे यानी जीरो पे फंक्शन की वैल्यू करते हैं, वो हमें दे रखी है। वो देखो गाइस, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जनरली गिवन ही होगी, जनरली दे रखा होगा आपको, है ना। तो हमें दे रखी है वन, दे रखी है क्या, दे रखी है वन। तो कंपेरिजन करो, क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल है? हाँ भाई देखो, तीन आ रही है ना दोनों, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है। और क्या ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर है? नहीं, ये दोनों फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। क्यों? लेफ्ट हैंड तीन आ रही है, राइट हैंड तीन आ रही है, बट फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? वन आ रही है। तो तीनों इक्वल हुए? नहीं। तो क्या ये कंटिन्यूअस हुआ? नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। जो कि ये समझ में आ गया होगा गाइस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमें दे रखा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो इससे जस्ट पहले मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल होता है, कोई पॉलिनोमियल, शायद मैंने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि कोई पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूस होगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है। और ये मुझे पता है भाई, पॉलिनोमियल है यार, साफ दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, या फिर पॉलिनोमियल जानते हो ना क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस थ्री, या फिर एक्स की पावर सेवन प्लस एट एक्स माइनस नाइन, या एक्स सेवन माइनस सिक्स, इस तरीके के जो ये फंक्शन होते हैं ना, पॉलिनोमियल होते हैं, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। क्यों कंटिन्यूस होते हैं भाई? क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि ये सपोज करो ये फंक्शन है f(x) = x³ + x² - 1, ये इसलिए कंटिन्यूस होते हैं क्योंकि x की हर वैल्यू पर f(x) की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। x की कुछ भी वैल्यू रख लो, x की कुछ भी वैल्यू रख लो, तो f(x) की यानी y की वैल्यू हमेशा मिलेगी, यानी y की वैल्यू हमेशा मिलेगी, चाहे x की चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, पूरे इंटरवल में कहीं भी वैल्यू रखो ना, वाई की हमेशा वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि हमेशा कर्व एग्जिस्ट करेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा, इसलिए हमेशा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, हमारे पास कंटिन्यूस होता है। तो हमारे पास आंसर तो डायरेक्ट मिल गया, देखते क्वेश्चन, बट अगर इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगी हमारे पास एफ ऑफ जीरो माइनस, मतलब एच टेंड्स टू जीरो नहीं, ये होगी हमारे पास, जस्ट अ सेकंड गाइस, इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे तो ये होगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू c, कोई पूरे इंटरवल में चेक करना है ना, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट जीरो वगैरह नहीं लेंगे, हम c ले लेंगे। अब ये c पॉइंट हो सकता है वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, मतलब सारे पॉइंट आ गए इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू c हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब एक्स की जगह सी रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास आगे लिमिट आ गई किसी पॉइंट पर सी का। अब सी ए सी कुछ भी रखो, मतलब कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप सोचोगे लेफ्ट राइट क्यों नहीं निकाली, इसलिए नहीं निकाली क्योंकि गाइस देखो, सी माइनस एच फिर करेंगे ना, और फिर एच की जगह जीरो रखेंगे तो वापस यही फंक्शन आ जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट और राइट का इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। इसीलिए अब हम फंक्शन पे उस सी पॉइंट पे, हमने पॉइंट सी लिया था ना, तो उस पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो गाइस, एक्स की जगह हम सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन, वही आ जाएगा ना। तो देखो दोनों दोनों इक्वल आ गए ना, दोनों इक्वल आ गए, हमेशा ये कंटिन्यूस होगा। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगर आपको स्पीड लग रही है ना, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब में थोड़ा यूट्यूब में ऑप्शन आता है कि स्पीड डाउन या फिर अप करने का। उसके अलावा आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट काफी स्पीड से कर रहा हूँ, क्लियर नहीं समझा रहा, तो गाइज आप हमें कमेंट कर दीजिए। ये यूट्यूब है ना, तो इस चक्कर में हमें थोड़ी स्पीड रखनी पड़ती है, अगर क्लासरूम होता तो उसमें आराम से समझाते थे, बट हम आपकी सुविधा के लिए अपने आप को मतलब मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए हमें कमेंट करके बताइए, या फिर हम लास्ट में अपनी ईमेल आईडी वगैरह देंगे, तो आप वहां पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी डाउट वगैरह भेज सकते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई टीचिंग मेथड में थोड़ा चेंज करना है, तो वो हम भी कोशिश वो भी हम ट्राई करेंगे, बट आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए बस। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। गाइस आज के सेशन में हम सिर्फ यही सीखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करना, उसके बाद हम फर्दर आगे आने वाले सेशंस में बाकी चीजें सीखेंगे। तो देखो ये ब्रेक हो रहा है, इज इट क्लियर? तो बस हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन पे वैल्यू निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ वन पे ब्रेक हो रहा है, देखो गाइस मुझे पता है वन पे हो रहा है, तो क्या निकालेंगे, एफ ऑफ, एक बार इसको इरेज करते हैं उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, इज इट क्लियर, इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो
एफ ऑफ वन माइनस एच यानी एक से कम, एक से कम के लिए क्या आएगा, एक से कम के लिए यही होगा ना, एक या एक से कम के लिए फंक्शन आएगा एक्स प्लस टू। तो क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं इसको वन माइनस एच, क्योंकि देखो एफ एक्स था तब एक्स प्लस टू आ रहा था और एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया, वन माइनस एच लग दिया। देखो यहाँ पे देखो वन माइनस एच रख दिया तो एक्स प्लस टू में भी एक्स की जगह वन माइनस एच आ जाएगा, वन माइनस एच प्लस टू। अब एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, जीरो रखूंगा तो क्या जाएगा, वन माइनस जीरो प्लस टू दैट इज थ्री हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच आ जाएगा, इज इट क्लियर, दैट इज लिमिट एच टेंस टू जीरो एज इट इज चलेगा। उसके बाद एफ ऑफ वन प्लस एच यानी वन से थोड़ा सा ज्यादा, वन से जैसे ही ज्यादा जाता है ना तो एक्स माइनस टू आ जाता है, योग समझ में आ गया। तो हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह हम वन प्लस एच कर देंगे और माइनस टू एज इट इज चल रहा है। अब एच की जगह हम जीरो पुट कर देंगे तो वन प्लस जीरो माइनस टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वन माइनस टू दैट इज माइनस वन। अब हम गाइज, अब मैं फंक्शन पे मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें साफ ही पता चल गया ये दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही। अगर दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही तो ये यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो गाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं। तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस का अपोजिट, डिसकंटिन्यूअस। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं फिर उसके बाद हम इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। सो गाइस हमें देखा कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफएक्स इक्वल्स टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है, फिर ये हमें डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स को। तो गाइस इसका ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले इसको एक सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, मतलब पांच सेकंड में ग्राफ बनाते हैं। तो मुझे पता है कि इस ग्राफ पे ये सपोज करो मेरे पास आ रहा है वन आ रहा है टू आ रहा है एंड थ्री आ रहा है, इधर भी सपोज करो वन आ रहा है टू आ रहा है और थ्री आ रहा है, इधर सपोज करो माइनस वन माइनस टू एंड फर्दर माइनस थ्री आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पर है माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री सपोज करो। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तब देखो गाइस इसकी वैल्यू होती है जब एक्स की वैल्यू किसका जीरो या वन के बीच में लाई कर, इज इट क्लियर, जीरो या वन लेकिन वन से कम होनी चाहिए। तो तब क्या होगा, जीरो बीच में लाई कर रही है तो क्या होता है, तब ये वैल्यू इन दोनों की लोअर वैल्यू अलॉट वो मतलब अटेन करती है। तो लोअर वैल्यू इन दोनों में कौन सी इंटरवैल्यू में, जीरो है, तो क्या है जीरो से वन के बीच में क्या आएगी वैल्यू, मेरे पास जीरो आएगी। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड सर, कलर चेंज करते हैं। ये यहाँ पे खुद लिख रखा है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स यानी कि जीरो और वन के बीच में जो भी एक्स है उसकी लोअर वैल्यू, तो लोअर जीरो आएगी हमेशा, इज इट क्लियर। तो ये देखो इसकी आएगी मेरे पास, यहाँ से चलूंगा यहाँ तक जाएगा, वन अटेंड नहीं कर पाएगा, वन पे ओपन हो जाएगा, ओपन नोड आ जाएगा, इज इट क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में देखूंगा गाइस, तो देखो इन दोनों की लोअर कौन सी है, वन है, तो क्या आ गई, ये वन आ जाएगी, है ना, इज इट क्लियर, वन आ जाएगी और टू पे ये ओपन आ जाएगा, वन पे क्लोज आएगा क्योंकि वन मैंने पूरा लिया हुआ है ना, इज इट क्लियर, टू पे क्लोज आ जाएगा। इसी तरीके से टू और थ्री में लोअर वैल्यू टू है, तो इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे ही बन जाएगा, है ना, आइए समझ में आ रहा होगा। और फर्दर ऐसा इस तरफ ग्राफ बन रहा है, उसी तरफ उसी के जैसे बिल्कुल नीचे ग्राफ बन जाएगा। तो देखो गाइस ये वैल्यू कहाँ पे कट वो हो रहा है, मतलब कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, देखो एक तो वन पे हो रहा है, एक टू पे, क्योंकि वन पे वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ जा रही है और राइट हैंड लिमिट वन के इक्वल जा रही है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ना, वन पे ब्रेक हो रहा है, टू पे ब्रेक हो रहा है ना। इसी तरीके से तीन पे चार पे पांच पे इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ये मोड एक्स, तभी क्या है ये इंटीजर वैल्यू पे, क्या है इंटीजर वैल्यूज पे, मतलब इंटीजर का मतलब है वन टू थ्री फोर इस तरीके से माइनस वन माइनस टू ये वैल्यू ना, इन वैल्यू पे क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा, क्या होगा डिसकंटिन्यूस होगा। और इसको अगर मैथमेटिकली करना है तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए। सो गाइस ये हाँ एक और क्वेश्चन बाकी है, लास्ट नहीं है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो गाइस इसकी दो मेथड, एक तो ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, एक आप मैथमेटिकल के कैलकुलेशन के थ्रू। तो ग्राफ के थ्रू तो एक सेकंड में हो जाएगा, ये हमने बनाया इसका ग्राफ और हमें पता है साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से ग्राफ होता है और ये कंटिन्यूस ऐसे आगे चला जाता है और
और लेफ्ट साइड में इस तरीके से चलता जाता है, मतलब ये कंटिन्यूस ऐसे जाता है। इसकी वैल्यू करती है 1 से -1 के बीच में लाई करती है, यानी ये देखो ग्राफ के थ्रू आपको पता चल रहा है ना, ये लगातार कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, लगातार कंटिन्यूस चलते जाएगा, कहीं भी ये ब्रेक नहीं हो रहा, नो ब्रेक, नो ब्रेक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंटिन्यूस होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। तुम्हारा आंसर तो ऐसे ही मिल गया, कंटिन्यूस होगा। इसके साथ साथ ऐसे ही कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो भी कहीं भी ब्रेक नहीं होता। लेकिन गाइस टेन एक्स डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, टेन एक्स देखो पाई बाई टू पे ब्रेक होता है, आपको पता हो, याद आ रहा होगा ग्राफ, आप एक बार रिविजन करना ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ का, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको मैथमेटिकली हम सॉल्व करते हैं, मैं मैथमेटिकली हाफ सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद करने के लिए दूंगा। तो मेरे पास फंक्शन का दे रखा है एफ एक्स, दे रखा है मेरे पास साइन, साइन एक्स दे रखा है ना, साइन फंक्शन है तो साइन एक्स दे रखा है। अब मैं क्या निकालूंगा, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, इज इट क्लियर? तो वो क्या हो जाएगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगी मेरे पास एफ एक्स एफ सी माइनस एच, है ना, ये मैं जनरल पॉइंट सी ले लिया, सी माइनस एच, तब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन सी माइनस एच, इज इट क्लियर? और मुझे पता है साइन सी माइनस एच, इसको खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा, या फिर ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, एच की वैल्यू डायरेक्ट रख दो इधर, तो एच की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा, इज इट क्लियर? ऑब्वियसली बात है यार, साइन सी आ जाएगा, पॉइंट उस पॉइंट पर वैल्यू के बराबर आ जाएगा, है ना, सी हमने पॉइंट लिया है, देखो यहाँ पे सी पॉइंट लिया है ना, स्टार्टिंग में हमने बताया था एफ सी माइनस एच होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है तो सी पॉइंट होता है ना, कोई जनरल पॉइंट, तो साइन सी आ रहा है, इज इट क्लियर? अब हम उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। इसको गाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन सी माइनस एच है तो साइन एक्स माइनस वाई के जो साइन, ये मैं बता देता हूँ, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ओपन कर लो फिर वैल्यू पुट कर दो, वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो राइट हैंड लिमिट अब निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच की जगह सी प्लस एच आ जाएगा, और फिर इसको फर्दर करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ये हो जाएगा साइन सी प्लस एच, फर्दर इसमें एच की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू भी साइन सी के बराबर आ रही है। आइयो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई, अब हम उस फंक्शन मतलब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉइंट क्या था, हमने सी लिया था ना, पॉइंट सी आ जाएगा। तो हमें क्या है, हम वैल्यू कैसे निकालते हैं कि हम जस्ट सपोज करो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, अब हम देखें कि एक्स हम वन पे इसकी वैल्यू निकालें तो एक्स की जगह हम वन रख देंगे ना, टू पे निकालेंगे तो एक्स की जगह टू रख देंगे, ऐसे ही साइन एक्स है तो हम सी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालें तो एक्स की जगह हम सी रख देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो आप देखो गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू उस फंक्शन की उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू, ये तीनों इक्वल आ रही है तो क्या ये कंटिन्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है ये कंटिन्यूस होगा गाइस। तो हमारा सेशन यहीं पे फिनिश होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ गाइज अगर इसकी पीपीटी प्राप्त करना चाहते हैं, पीपीटी में गाइज मैं पहले ही बता दूं इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, एज इट इज ब्लैंक पीपीटी होगी आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूँ, इस तरीके से पूरी खाली होगी और आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और इसमें आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप हाँ आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को देखिए और आपको सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इसके साथ साथ आप ईमेल आईडी पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, नाइस डे।